अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स लेक्चर नंबर 4th ऑफ असिस्टिंग फॉर क्लास 7th। हमें ये डबल इंटीग्रल स्टार्ट किया था ना, होगा उससे पहले इसके कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, तो आइए हम इसी टॉपिक सीखते हैं एंड देन उसके बाद। ओके तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम हुमायूं अकबर तक पढ़ा था, आज हम अकबर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, तमाम डेट्स वगैरह ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को साथ साथ याद रखनी है। अकबर के बारे में अगर हम पढ़ें तो वो 1542 में जो है उमरकोट में पैदा हुए थे। ये सीधा एक इलाका लगता है उमरकोट, यहाँ पर पैदा हुए थे। उनके फादर हुमायूं जब गुजर गए थे यानी वो सीढ़ियों से गिर के, तो बाबर की तरह अकबर भी बहुत यंग एज में ही वो जो है वो बादशाहत में आ गए थे। हुमायूं के जो वाइस जनरल थे जिनका नाम था बैरम खान, उन्होंने अकबर को गाइड किया जब तक वो 18 साल के नहीं हो गए। उसके बाद बैरम खान को मार दिया गया जब मक्का से हज करके वापस आ रहे थे, लेकिन उससे पहले तक उन्होंने जो है वो अकबर की बहुत मदद की बादशाहत को लेके कि वो किस तरीके से अपना निज़ाम जो है वो बेहतर तरीके से चला सकते हैं। अकबर एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस लीडर थे, यानी वो उनमें कुछ कर गुजरने की लगन थी, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर भी थे कि किस तरीके से अपना काम उनको करना है। एक टाइम पर उनको रियलाइज़ हुआ कि वो और ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं अगर वो अपनी रियाया को सेटिस्फाई कर दें, तो नहीं अपने किंगडम के लोगों को अगर वो सेटिस्फाई कर दें। तो फिर उसी के बाद अकबर ने एक जजिया टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जो कि मुस्लिम्स के लिए था, और वहाँ की जो आर्मी थी वो बॉर्डर्स को सेफ बनाया उन्होंने, और जो वहाँ के जो लोग थे उनको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उनको स्टेबल किया, और वहाँ के जो सिस्टम्स है उसको बेहतरीन बनाया। बट अकबर व्यूज़ ऑन रिलीजन, जो अकबर का व्यू था रिलीजन पे, वो वहाँ पे प्रॉब्लम का बाइस बना क्योंकि वहाँ पे दोनों नेशंस थी, हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो हिंदूज़ को ये बहुत ज़्यादा, मुस्लिम्स ने तो एडवांटेज था बट हिंदू के लिए डिसएडवांटेज, तो हिंदुओं के लिए उन्होंने एडवांटेज करने के लिए कुछ सोचा तो वो मुस्लिम्स के लिए डिसएडवांटेज था, तो इसी वजह से कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी। बट उन्होंने एक बहुत बड़ी डील जो है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है फतेहपुर सिकरी में बनाई जो कि आगरा के पीछे है, और वहाँ पर उन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली मूव करने की करने का सोचा। तो यही थी अकबर की कुछ जो उन्होंने किया था काम ये अकबर ने, तो यही वो कुछ चीज़ें थी जो कि अकबर ने की थी। उसके अलावा मज़ीद हम लोग हुमायूं वगैरह पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जहांगीर, बट उससे पहले हम उससे रिलेटेड वर्किंग देख लेते हैं। ओके तो स्टूडेंट, इट्स योर डायरी मेक एमसीक्यूज़ फ्रॉम बुक। जितने टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए गए हैं उसी में से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ निकालने हैं, यानी अकबर के टॉपिक तक आपको बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ निकालने हैं उस टॉपिक को पढ़ के। एंड उसके अलावा हिस्ट्री के जो सेक्शन है उसके तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को लर्न करने हैं। जब आप लोगों के स्कूल खुलेंगे तो हिस्ट्री के सेक्शन का विदाउट लर्निंग टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि आपको क्लास में बहुत दफ़ा लर्न करवा चुके हैं, और अब भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स आप लोगों के हो चुके हैं, तो ज्योग्राफी के सेक्शन के आप लोगों को स्कूल में भी याद करवा चुके हैं, बट मैं यहाँ पे भी आप लोगों को डायरी दे रही हूँ। ज्योग्राफी के तमाम क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को याद करने हैं, याद हुए हैं जस्ट रिवाइज करने होंगे। जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे विदाउट लर्निंग इसका टेस्ट ले लिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।